हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सियासा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर अंशी अभी भी सो रही है, कन्नू के पापा भी सो रहे हैं। वानिका को आजकल कुछ इस तरीके से बिठाने लगे हैं कंबल लगा करके, और वानिका बैठ करके ही खुश रहती है, अगर लिटा देते हैं तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। ओ ये देखो लेट गई, ये देखो थोड़ी सी देर भी संभला नहीं जाता बिल्कुल भी, और बीबी पीछे कोई खिसक रही है, बस बात करती रहती है। बस ये देखो कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, अब तो खुद ही संभल गई इस बार से। ये देखो पूछ लगती है ये कहाँ से आया बूढ़ा जी हमारे यहाँ। क्योंकि नहीं नहीं की तैयारी हो गई है, और गर्म पानी जो है इसके लिए कर दिया है। बस जॉनसन बेबी की साबुन आने वाली है, आज इसकी साबुन खत्म हो गई थी जॉनसन बेबी की। ओए ओए बाबूजी, वानिका ने आज लाल ड्रेस पहन ली, और देखिए पहन के ड्रेस कैसी लग रही है। और इधर कन्नू भी आ गया, कन्नू है ना टिफिन में एक एक पराठा खा गया है मम्मी, और एक बचा के लाया, दो दिए थे मैंने इसलिए दो दिए थे क्योंकि सुबह के टाइम तो नहीं तो चाय पी इसने, नहीं दूध पिया। हाँ 11:30 बज गए हैं, आज कपड़े नहीं धोए हैं। और आज जैसे सोमवार का दिन है तो कन्नू का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा, और ये कह रहा था कि आज पढ़ाई नहीं कराई है और सिर्फ खिलाया खिलाया बॉडी बनवाई है। और यहाँ पर आज मैंने बेड की चद्दर नहीं डाली क्योंकि आज आज फिर मैंने दोनों गद्दे सुखाए थे। कन्नू ने आज रात को टॉयलेट कर दिया था, दिन में है ना खेलता खेलता इतना थक जाता है कि रात को उसकी आंख भी नहीं खुलती। उन्होंने ये बता पाता कि मुझे टॉयलेट करना है या नहीं करना है। कढ़ी और चावल बनाए हैं और रोटी बनाई है, और आज शायद अक्षित विभोर और उनकी मम्मी भी आ जाए, तो ऐसा सुनने को तो मिला है कि आ सकते हैं। आज जूली दीदी का फोन आया था और इसने फोन इस ये फोन पे बात करती है रोज की रोज, तो ये कहती रहती है मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। और वानी का भी कह रही है कि ताई जी आएंगी जरूर आज, भूल जाएगी। हाँ भूल जाएगी, आज तो रोएगी एक बार तो। देखो 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 कैसे नजरिया, देखो जाने की नहीं जाने की नहीं, आज तो ताई के पास जाने की नहीं बिल्कुल भी है, और दो चार दिन में चली जाएगी। कपड़े बहुत सारे थे, और कुछ ही कपड़ों पे प्रेस किया है, कन्नू के पापा की पैंट और शर्ट ये वाली, ये सारी की सारी शर्टों पे प्रेस कर दी है। और अभी बस थोड़ी देर में ट्यूशन के पहले ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाएंगे। इधर वानी का भी सो करके उठ गई है ये देखो, और ये है ना अब खेल रही है। ओ एकदम से आवाज लगाती है ये, अगर इसके पास भी आ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए भी एकदम से आवाज लगानी। ओह ओह ओ भटूरे मैंने खाया, और खांसी इसको हो गई, इसकी तो एक ड्रॉप में ठीक हो जाएगी। हाँ 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 ले लू, मुझे कह रही है ले लो मम्मी। हर सब्जेक्ट में एक चैप्टर की रीडिंग भी करके आनी था मैं तीनों को। किसे? मानवी, अनु और सक्षम को। यहाँ पे देख लो विषय। आंटी जी क्या करके लानी रीडिंग? रीडिंग करके लानी। ओके आंटी। इसे सक्षम को बता दे। ओ ओ एक चैप्टर की रीडिंग करके लानी। सारे बच्चे ट्यूशन के खड़े हो गए हैं, ये घंटा ट्यूशन पढ़ लिया है, और सारे बच्चे अभी के अभी जा रहे हैं। मैथ में कुछ क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज, और बच्चे आज है ना बहुत खुश है क्योंकि आज इनको है ना न्यू सिलेबस मिला, अगली अगली क्लास का। इसको 8th का मिला है, उसको 7th का मिला है, और उसको 6th क्लास का मिला है सक्षम को, और इनको 1st क्लास का नहीं मिला अभी तक। इनके स्कूल में अभी कोर्स मिला नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कोर्स सारा का सारा। तो कैसा लग रहा नया कोर्स लेके? बहुत अच्छा लग रहा ना, नया नया नई नई बुक आ गया, अच्छा लगा है। सभी के सभी घूमने के लिए चले गए हैं, जैसे ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी हुई तो वे भी सभी के सभी घूमने के लिए चले गए, मम्मी भी एनसी भी कन्नू भी, और कन्नू तो आ गया है ये देखिए घूम करके, बोतल लेकर के आया है पता नहीं कैसे लाया है। और इधर वानी का भी हमारी बोतल के साथ में खेल रही है, गिर गई है हमारी वानी का। मैंने तकिया लगा रखा था पीछे भी, और आगे कपड़ा लगा रखा है ये गरम, और बस अब झाड़ू तो लग गई है, बर्तन साफ़ करने हैं, तो वानी का तो ऐसे ही खेलती रहेगी और मैं बर्तन साफ कर दूँगी। नहीं बेटा यहाँ पे ही खेल लो आप, वानिका का भी ध्यान रखियो। देखो वानिका का ध्यान कौन रखेगा? वानिका का ध्यान तो कन्नू ही रखेगा सिर्फ। कन्नू बेटा कहीं मत जाना ठीक है, मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, और ये है ना पीछे को लटक गई बर्तन, मैंने वहाँ पे चक्की पे छोड़ दिया है टोकरा ऐसे कैसे, और मैंने वानिका को गोद में ले लिया है। ये देखो
यहाँ पे आ गई है वानिका, और मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ तो सो नहीं रही है बिल्कुल भी। सो जा बाबू, सो जो, सो जा। हाँ है, है, है। कौन सी लैंग्वेज है ये, हमें भी सिखा दो, हमें भी सिखा दो भाई ये लैंग्वेज। और मुंह में सिर्फ हाथ रहता है, और कौन कहता है मेरी बेटी का रंग काला है, कल्लो है, ऐसे क्यों कहते हो आप, क्यों कहते हो कल्लो 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 क्यों कहते हैं, ये तो मुझसे भी गोरी है। अभी अभी कन्नू पापा के पास फोन किया है और वे ना बस आने ही वाले हैं, और यहाँ पर कोई नहीं है तो कन्नू के पापा सरप्राइज हो जाएंगे, क्या सभी के सभी कहाँ गए हैं बाहर घूमने के लिए। काफ़ी दिनों से मम्मी भी बाहर नहीं जाती थी, उनके भी पैरों में दर्द हो रहा था, तो आज वे मौका लगा करके चली ही गई। और जैसे ही मम्मी जाती है, अंशी भी उनके पीछे पीछे हो जाती है, और अंशी के पीछे पीछे हो जाता है कन्नू, और कन्नू के पीछे पीछे हो जाते हैं पिताजी। और अब हम रह गए मैं और वानिका घर पे अकेले। आ गए हैं कन्नू के पापा अभी अभी ड्यूटी से, और ये है ना वानिका अभी अभी सोई थी, और अपने पापा की आवाज जैसे सुनी ना इसने एकदम उठ गई और गोद में जा करके बैठ गए। तो अभी कपड़े तो चेंज नहीं किए, नहीं ये अपना मंगलसूत्र निकाला इन्होंने चाय बनवा ली है, तो कन्नू को भी चाय दे दी है, एक एक कप चाय इनके लिए, और रोज इख्तियार हो गया चलिए चाय पी लीजिए आप। और कन्नू ने आके सरप्राइज गिफ्ट ले लिया, मुझसे पहले सरप्राइज गिफ्ट ले लिया, लेकिन आपके हाल चाल पूछे है इसने, और मेरी वानिका मेरी गुद्दी में आ गई, पर मुझसे कुछ मांगा नहीं इसने, क्या नहीं लेके आए। हाँ अभी मेरे लिए कुछ नहीं पूछा, मेरे लिए कुछ लेके आएगा, और भाई को देख, भाई चुपचाप आज मैं इसको खाना खिला रही थी, आते ही ऐसे कर रही मुंह बाबा के, मुझे दो आओ आओ चलो बूंद आ गई, एक एक दो दो बूंद पड़ने लगी है, तो यहाँ पे मैं ये मैट उतार लेती हूँ, मैट भूल गई मैं आज डालनी बेड पे, और बर्तन भी रखे हैं यहाँ पे। में से लेकर के आ गई वानिका को, कार्डिगन भी पहना दिया है, थोड़ी सी ठंड हो रही है, और ये वाले बैंगन जो है मम्मी ने भेजे थे ये, और वाइट कलर का बैंगन भी है, एक कंटे से है उसमें, लेकिन मुझे अच्छा लगा देखने में, कंटेदार बैंगन है ये, इसमें ये देखिए छोटे छोटे से कंटे है, पता नहीं ये खाने में कैसा लगेगा, लेकिन पहली बार बनाऊंगी इसको तो मैं वाइट कलर का। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले बैंगन बनाते हैं, मोटे वाले बैंगन और ये लंबे वाले बैंगन, तो ये तो बहुत सारे भेज रखे हैं, तो दो बार सब्जी बन जाएगी इनकी, और कल आ जाएंगी कन्नू की ताई जी, तो थोड़ा काम भी हल्का हो जाएगा। अवेश आई है और दुपट्टे की है ना तय बना करके कमरे में रख के आ रही है, और ये देखो कितनी मस्ती में आ रही है वाणी का भी, पूरी मस्ती में अवेश के साथ में इसकी बहुत मस्ती आ जाती है। मेरी बहन है, तेरी बहन है, आइए लड्डो 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 सी, बहुत हैप्पी हैप्पी रहती है इसके साथ में। ओए 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 देखो देखो संभाले भी नहीं संभाल रही, और कभी कभी ये एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है अपनी माँ जी की। अभी बताओ रही ये अब लड़की अपनी चाची की इतनी साथ में ऐसे लगती है जैसे दुराने जिठानी की तरह लड़ती रहती है, है ना। अब चल रही कहाँ गई, गायब हो गई क्या, कहाँ गई, गई क्या, भाई पीछे रुक गई कहीं नहीं गई। अरे एक गिलास चाय लाना, ये क्या चल रहा है भाई, है बड़े मस्ती काट रहे हैं, डंडा लेके चाय दे रही है, आ जा भाई देखने के लिए बैठ गई। वानिका इनकी एक्टिंग देख के बड़ी खुश हो रही है, कैसा लग रहा है वानिका, ओए 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 वो चाय मिल रही है, वो चाय मिल रही है, बस 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 रुक जाओ रुक जाओ, आठ बार चाय पी ली, ओ भाई साहब दूध कोई पेड़ पे उगता है, चार किलो दूध लेके ला, दूध ले आया, दूध ला रहा ला रहा दूध ला रहा, देखो दूध लेने जा लिया, वो दूध लेने जा लिया है कन्नू, ऐसी बात नहीं है, ले क्या होगा दूध, ले ले दूध ले 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 उनकी तो लड़ाई बच गई है, और वे तो ऐसे मस्ती करते रहेंगे। हाँ मैं ले लूँ, ये भी खेल लेगी, ये भी खेल लेगी, उठ गई खेलने के लिए। वाने कभी इनको देखते हुए उठ जाती है खेलने के लिए।
हट जाओ। हाँ वानी का कितना मजा आ रहा तुम्हें, वाने को का पूरा मजा आ रहा उन्हें देख रही। पहले तो उसके पीछे वो पड़ रही थी, अब उसे पीछे वो पड़ रहा। वो देखो मार पड़ रही है। ये बात लगा रही वाने का इधर। ये किस तरह खींच कर आई तो हाँ, 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 आवाज लगा रही आवाज। जब भी आ जाती है ये मन लगा के भाग जाती है। सारा दफारी खेल लिया था, सारा दफारी। अच्छा इसमें मम्मी का यहाँ आंटी आज आई। खेलते कन्नू को चोट लग गई है। कहाँ चोट लगी है? हाथ पे चोट लग गई है। भाई देखते हम इस तरह खेलोगे तो चोट तो लग जाएगी। देखिए वाने का बिल्कुल आराम से खेलती है, बैठ के गोदी में, और बिल्कुल भी चोट नहीं खाती वाने का। हाँ बस हंसती है और हंस हंस के खेल लेती है। सही बनाने के लिए बना जवाब है। अच्छा तो जी मैं क्या करूँ जी, मेरी अच्छा मट्ठा बनाती है, मम्मी से भी अच्छा। अच्छा मम्मी ना कोई सब्जी ना कोई रोटी। और कौन की मम्मी? मम्मी नो फेल है बिल्कुल। मम्मी मम्मी तो बनाना है क्या? अरे मेरी मम्मी पे भी आता है। मेरी मम्मी पे तो जलेबी भी बनाने आता है। मेरी मम्मी पे भी आते हैं। आते हैं तू ही खा ले। देखो मेरी मम्मी पे तो मूवी बनाना है। मेरी मम्मी पे मम्मी पे तो दिक्कत तू ही सब कटोरी में लेकर खा ले। बोल से आज जब से मैं आया हूँ ऑफिस से और वानिका मुझे पीछे नहीं छोड़ रही है, मेरे पास ही है। और मैं सोच रहा कि इसको सुला के कपड़े चेंज करके खाना खा लूँ। खाना भी नहीं खाने दिया, मेरी गोदी में सोई है। अभी भी मेरी शर्ट पकड़ रखी है, मैं उठ के चलता हूँ पकड़ लेती है और आँख खोल लेती है। तो बस अभी जाके अच्छी तरह सो गई है। अब मैंने इससे शर्ट छुड़वा ली है तो अब जाके सो गई है। या आज पापा की कुछ ज़्यादा लाडली बन गई है, गुस्सा भी आता है इसको। और इधर मेरा बेटा भी सो गया है। बस अब मैं चेंज करके खाना वाना खा के हम भी सोते हैं। तो चलिए जी खैर आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।